पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति घट गई है। रमन सिंह ने राजनांदगांव से सोमवार को अपना नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, जिसके अनुसार वो 7 करोड़ 7 लाख के मालिक हैं, लेकिन उनके पास खुद की कार नहीं है। नमस्कार, जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। रमन सिंह ने चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा सौंपा है, उसके अनुसार उनकी संपत्ति 30% घट गई है। सीएम रहते उनकी संपत्ति 10 करोड़ से पार थी, लेकिन अब वो घटकर 7 करोड़ ही रह गई है। फिलहाल उनके पास 7 करोड़ 7 लाख 2993 रुपए की संपत्ति है। इसमें 4 करोड़ 15 लाख की अचल संपत्ति है, जबकि चल संपत्ति 2 करोड़ 92 लाख 2000 की है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद ना उनके पास कार है, ना ही उनकी पत्नी के पास, लेकिन हाँ, उनकी पत्नी वीना सिंह के पास करीब 235 तोला सोना है, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ 65 लाख रुपए है। वहीं उनकी पत्नी के पास 18 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत 13 लाख रुपए है। साथ ही उनके पास 7.5 कैरेट का एक हीरा भी है, जिसकी बाजार में कीमत 22 लाख 50 हजार रुपए है। वहीं रमन सिंह पर 21 लाख 47 हजार रुपए की देनदारी भी है। चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार रमन सिंह के पास 57 तोला सोना है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। वहीं उनके पास 4 किलो चांदी के सामान भी हैं, जिनकी कीमत 3 लाख रुपए है। इसके साथ ही रमन सिंह के पास एक पिस्टल भी है, जिसकी कीमत 41 हजार रुपए है। वहीं उनके खिलाफ किसी भी थाने में आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। रमन सिंह ने अपने शपथ पत्र में खुलासा किया है कि उनके पास 1,42,350 रुपए नगद है, जबकि उनकी पत्नी के पास 5,59,070 रुपए नगद है। साथ ही पूर्व सीएम ने रायपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 21,93,906 रुपए जमा कर रखे हैं और राजनांदगांव के SBI बैंक में 11,373 रुपए जमा है। रमन सिंह ने शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट किया है। IDBI टैक्स सेविंग बॉन्ड में उन्होंने 36,000 रुपए का निवेश कर रखा है, तो SBI मैग्नम गिल्ड फंड में 85,360 रुपए लगाए हैं। उन्होंने जीवन बीमा निगम के 3 पॉलिसी भी ले रखी है। साथ ही उनके पास 7 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है और उनकी पत्नी के पास 30 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि है। रमन सिंह राजनांदगांव से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ गिरीश देवांगन को उतारा है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह अपनी जीत बरकरार रख पाते हैं कि नहीं। उम्मीद है आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।